कलिंग समाचार। संबलपुर रे टोकन समस्या नहीं चासी माने डीआरसीएस कार्यालय घेराव करबा सहित धारणा रे बसी। टोकन अनियमितता को नहीं आज संबलपुर कृषक समन्वय समितर चासी माने डीआरसीएस ऑफिस रे धारणा रे बसी। गत 5 तारीख रु रबी धान बिक्री हेबो बोली निर्धारित करा जैथिला। एहा परे 2 तारीख रे धान बिक्री पय समय निर्धारण करा जैथिला, किंतु से दिन भी संभव न हेबारु गत 13 तारीख रु संबलपुर रो विभिन्न धान मंडी रो 11टी जगह रे धान बिक्री आरंभ होइथिला। बाकी मंडी रे 16 तारीख रु धान बिक्री आरंभ होइथिला। सर्वमोट जिलार 62टी मंडी रे 16 तारीख रु धान किणाबिका आरंभ होइथिला। आजकु 7 दिन बीती जाइथिले सुधा अनेक चासिंकर टोकन सेमानक पाखरे पहुंची नथिबार अभिजोग होइछि। एभली अनियमितता को दृष्टि रे रखी चासी संगठन आज डीआरसीएस कार्यालय घेराव करिछि। भुवनेश्वर टोकन व्यवस्था को संपूर्ण भावरे चासी विरोध करथिबा बेले स्थानीय चासिंकर समस्या बाबदरे किभली जणे दूररे बसी समाधान करिपारिबो बोली प्रश्न करिछि चासी। आजकु 7 दिन हेला टोकन समस्या समाधान होइ नै, वर्तमान केते असुविधा रहिछि, केते बेले वर्षा होइ गेले समस्त धान खराब होइजिबो बोली चासी माने अभिजोग करिछन्ति। नहीं देखो आमर मंडी खुलवाटा तो 5 तारीख खुलवार कथा, सेटा व्यतिक्रम होकर 9 तारीख जिला प्रशासन गला। 9 तारीख भी तमने सजवाज नहीं पाले, 13 तारीख आसला। 13 तारीख मंडी खुल्ला उतारू भी आमर टोकन कैंसी चाषी आसवार नहीं, जेनटा काम हाँ आसूचे बहुत कम चाषी आसूचे आज दया धान हो गलान से तक टोकन नहीं। आते जमी चाष आमर जेन होते जमी चाष हो तार उपर के एकड़ टोकन आसूचे केते क्विंटल आसे तार किसी आम थलकुल पाई ना पार्बार आउ टोकन आसी नुए तमने कालो बैशाखी वर्षा तमने आपंकर ये मौसमी आसवार उपर अच्छे सेतु टोकन नुए आसे धान बिक्री ना बिकी ना कर लगे आज टोकन नुए आसे से डीआरसीएस ऑफिस घेरो। संबलपुर सरोज साहू मानसंकर रिपोर्ट कलिंग समाचार।